तो अब हम आ चुके हैं ग्लोबल विलेज। ये इधर देखिए सारा, इस साइड में पूरा पार्किंग लॉट है। ये इधर ये सामने एंट्रेंस है जहाँ जा रहे हैं। तो वाइज भाई इसकी टिकट कितना है इसका? 15 दिनम है। इसमें कितने आवर्स के लिए जा सकते हैं हम और रेस्ट से कितनी देर तक? ओके 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 ओके, 4 घंटे आप देते हैं। ओके ओके, चलिए चलते हैं। ये सामने है आप ये देख सकते हैं राइट साइड में, यहाँ पर ये टिकट काउंटर है और यहाँ से लोग अपना आकर के भी यहाँ से टिकट ले सकते हैं। बट हमारे जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने पहले ही टिकट ले ली थी यहाँ की ऑनलाइन। तो हम जा रहे हैं अंदर, ये अपना ग्लोबल विलेज के अंदर हमने, यानी कि जो हमारे वाइद भाई उन्होंने ऑलरेडी टिकट परचेज कर रखी थी। तो आइए लेके चलते हैं आपको। हमारे साथ में दो लोग और हैं। अब हमने डिसाइड करा है कि अपना दो तीन घंटे अंदर रहेंगे, 7 बजे तक अपना वापस आ जाएंगे हम। फिर अब चलते देखते अंदर कैसा कैसा नहीं है, दुबई ने कैसा बना रखा है। आइए चलिए लेके चलते हैं आपको अंदर। अब इधर से एंट्री है, ये टिकट स्कैन कर रहे हैं यहाँ पर। सॉरी, ओके ओके ओके, वेयर? ओके। ये अभी हम जा रहे हैं स्कैन करवाने के लिए बैग को। और लीजिए यहाँ का नजारा, ये बुर्ज खलीफा देख लीजिए। अब हमारा ग्लोबल विलेज का टूर स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले राइट में उन्होंने सुपरमार्केट, लेफ्ट में अपने सुपरमार्केट दे रखी है।
चलिए फिर हम देखते हैं बहरीन और कुवैत के पवेलियन में क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर अपने राइट हैंड पे ये देख रहे हैं ना आप, ये परफ्यूम्स के आउटलेट्स बने हुए हैं राइट और लेफ्ट हैंड पे, और हैंडक्राफ्टेड जो इनके आइटम होते हैं वहाँ के लोकल जो कपड़े वगैरह होते हैं वो हैं। चलिए चलते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ कई सारी शॉप्स हैं अंदर, ये जितने पवेलियंस बने हुए हैं यहाँ पर सब में अंदर शॉप्स हैं, और वहाँ के जो लोकल आइटम्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, और वो यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो यहाँ पर अपना खरीद सकते हैं। बट ये है, बार्गेनिंग करनी पड़ती है आपको, अगर बार्गेनिंग नहीं करोगे तो भैया फिर कटोगे, तो इसलिए बार्गेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा, ये क्या बोलते हैं, शहद है यहाँ पर, कपड़े हैं, मसाले हैं जो वहाँ के उस कंट्री के लोकल होते हैं वो सब चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब। और अंदर में यहाँ पर ये जो भैया जा रहे हैं गार्ड साहब, ये कई बार देख लेते थे, पकड़ लेते, वीडियो बनाने नहीं देते कि नहीं यहाँ पर अलाउड नहीं है, बट मैं फिर भी मैंने कोशिश करी बनाने की, तो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये भैया